गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर हमने आपको द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में बताया और कुछ एक क्वेश्चंस भी दिए थे बेटा। आज उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप विद कंसंट्रेशन आप इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करोगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बेटा आप मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करेंगे। क्लियर? अब कुछ एक बच्चे कॉपी को स्टार्टिंग में अच्छे से भेज रहे थे, बट अब कुछ एक मतलब वो जितने स्टार्टिंग में भेज रहे थे उतने बच्चे अभी नोटबुक को सेंड नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दिस। क्लियर? तो आपने अपने नोटबुक को बेटा जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो पेरेंट सिग्नेचर के साथ आपने सेंड करनी है। यू हैव टू, इट मीन्स आपने करनी ही है बेटा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं बेटा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ डू व्हेन शी मेट हर बाबा एट जू। मतलब हाउ डिड ऑथर्स पत्नी डू, मतलब किस प्रकार का व्यवहार किया जब ऑथर्स की पत्नी, राइटर की पत्नी बाबा से मिलती है चिड़ियाघर में। एट द जू ऑथर्स वाइफ रस्ट द केज, जैसे वो चिड़ियाघर में गई तो उस पिंजरे की तरफ दौड़ी जिस पिंजरे में हैज़ बिन कैप्ट, मतलब वेयर बाबा हैज़ बिन कैप्ट, जहाँ जिस पिंजरे में उसको रखा गया था। सी शोड हर लव, उसने प्रेम दिखाया बाय स्टॉकिंग हिम अफेक्शनेटली थ्रू द बार्स। कहता उस बार्स, जो सेल के बार्स जो थे चिड़ियाघर के पिंजरे के जो सरिये थे उनमें से उसको स्टॉकिंग करते हुए। एंड सेट नियर द केज फॉर 3 आवर्स, और कहता उस बाबा के पिंजरे के पास बैठ के 3 घंटे के लिए। सी फेड हिम टी, चाय पिलाई उसको, लेमनेड नींबू पानी, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और जो आइटम उसके लिए लेके गई थी वो सारे आइटम्स उसने उसको खिलाए बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीन, भाई उस दृश्य का वर्णन करो एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द जू, कहता जब चिड़ियाघर के बंद होने का समय आया तो उस सीन का आप वर्णन करो। व्हेन ब्रूनो एंड नरेस्टर वाइफ सेट टू सेपरेट अगेन, तो बेटा जब चिड़ियाघर के बंद होने का समय आया तो ब्रूनो और नैरेटर, जो राइटर की पत्नी थी, उन दोनों को एक बार दोबारा से अलग होना पड़ा, उस सीन का वर्णन करो। एज द क्लोजिंग टाइम एट द जू ड्रू नियर, जैसे जैसे चिड़ियाघर बंद होने का समय नज़दीक आया द ऑथर्स वाइफ डिसोलेट, निराश हो गई। सी क्राइड बिटरली, बुरी तरह से चिल्लाई एट द थॉट ऑफ बींग अपार्टेड फ्रॉम हर बाबा, कहता दोबारा से अपने उस भालू से अलग होने के विचार से वो जोर जोर से चिल्लाई। ही टू क्राइड बिटरली, इट मीन्स बाबा भी चिल्लाया। दिस टचिंग सीन सडन द क्यूरेटर, कहता क्यूरेटर मीन्स जेल का जो मैनेजर था वो भी दुखी हुआ। एंड द कीपर्स ऑफ द जू, चिड़ियाघर के और जो दूसरे कर्मचारी थे वो भी बेटा चिल्लाए, दुखी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द नैरेटर्स वाइफ मेक टू द क्यूरेटर, कहता है जो चिड़ियाघर का प्रबंधक था उससे कौन सी रिक्वेस्ट नैरेटर की वाइफ ने की। डिड द क्यूरेटर ग्रांट द रिक्वेस्ट, क्या जो रिक्वेस्ट नैरेटर्स वाइफ ने क्यूरेटर से की थी उस रिक्वेस्ट को ग्रांट किया, उसने एक्सेप्ट किया। द नैरेटर्स वाइफ रिक्वेस्टेड द क्यूरेटर ऑफ द जू टू अलाउ, कि भाई उस नैरेटर की पत्नी ने क्यूरेटर से विश्वास किया कि वो उसको अलाउ करे, परमिशन दे टू टेक हर पेट स्लोथ बियर, कि अपने उस बियर मतलब उस बेबी भालू को वो अपने साथ लेके जाए अपने घर, ये रिक्वेस्ट की बेटा। नेक्स्ट, ही रिफ्यूज इनिशियली, और जैसे उसने रिक्वेस्ट की तो वो तुरंत उसको मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए दैट बाबा वाज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कि अब वो जो भालू जो था, बेबी बियर जो था, वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था बेटा, एंड ही कुड नॉट बी गिवन अवे, और वो उनको वहाँ से लेके नहीं जा सकते थे। बट आफ्टरवर्ड, परंतु इसके बाद, सीइंग हाउ अनहैप्पी बोथ, मतलब दोनों कितने दुखी हुए, सी एंड ब्रूनो,
वर एट बींग पार्टेड। जैसे ही ऑथर्स वाइफ और ब्रूनो अलग हुए क्लोजिंग टाइम पे, तो उन दोनों को इतना दुखी देखा, ही सजेस्टेड, उन दोनों को दुखी देख करके जो क्यूरेटर था उसने सजेस्ट किया उनसे दैट दे शुड कॉन्टैक्ट द सुपरिटेंडेंट इन बेंगलोर फॉर परमिशन टू टेक बाबा होम, कि भाई इस भालू को अपने घर ले जाने के लिए वो परमिशन लें बेंगलोर में, जो बेंगलोर से सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बाबा रीच होम बैक होम, कहता वापिस कैसे वो घर पहुंचा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नरेटर्स वाइफ, कहता लेखक की पत्नी की रिक्वेस्ट करने के बाद में द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, चिड़ियाघर का सुपरिटेंडेंट एग्रीड टू परमिट हर, सहमत हो गए, उसको परमिट कर दिया टू हैव बाबा बैक होम, कि भाई वो अपने उस ब्रूनो को घर वापस लेके जा सकते थे। ही रोट ए लेटर टू द क्यूरेटर, कहता सुपरिटेंडेंट ने एक क्यूरेटर को एक पत्र लिखा एंड आस्क्ड हिम टू लैंड, और उससे कहा टू लैंड ए केज सो दैट द बियर कुड बी ब्रॉट होम सेफली, और लैंड उनको एक पिंजरा भी दिया कि भाई वो आसानी से अपने उस बाबा को, उस बियर को लेके जा सकते थे सेफली घर। द केज वॉज केयरफुली पुट ऑन द टॉप ऑफ द कार, कहता वो पिंजरा कार के टॉप के ऊपर रखा गया, चोटी पे रखा गया, ऊपर रखा गया, एंड बाबा ट्रेवल्ड बैक टू हिज होम इन बेंगलोर, और कहता बाबा को उस कार के ऊपर जो पिंजरा रखा था उसी पिंजरे में ले जाया गया वापिस घर बेंगलोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भाई वट काइंड ऑफ ए प्लेस वॉज प्रीपेयर फॉर बाबा, भाई किस प्रकार का स्थान बाबा के लिए प्रिपेयर किया गया एट द नरेटर होम, नरेटर के घर में, एंड वाई और क्यों, जिस प्रकार का स्थान उसके लिए बनाया गया वो क्यों बनाया गया। टू प्रिवेंट बाबा फ्रॉम एवर बिकमिंग थ्री टू द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट, जो छोटे छोटे घर में बच्चे थे उनके रख रखाव के लिए, एंड एन इजलैंड मेजिंग 20 feet लॉन्ग, 20 feet लंबा एक इजलैंड बनाया गया, एंड 15 feet वाइड, 15 feet चौड़ा वॉज क्रिएटेड इन द कंपाउंड बाई डिगिंग ए 6 feet वाइड, और कहता 6 feet गहरा एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर, मतलब उसके उसके एक मतलब इजलैंड बनाया गया, एंड 7 feet डीप मोट राउंड इट, उस इजलैंड की 4 to 7 feet गहरी मतलब गड्ढा खोदा गया। दिस इजलैंड बिकेम बाबाज होम, और कहता वही जो इजलैंड बनाया था 20 feet लंबा, वही इजलैंड बाबा का हाउस बनाया गया, स्थान बनाया गया रहने के लिए। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हाउस ऑन द इजलैंड, कहता जो इजलैंड बनाया था नरेटर ने उसका वर्णन करो। इन विच बाबा वुड स्लीप एट नाइट, जहाँ बाबा रात को सोता था। ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स दैट वॉज वंस यूज टू कीप द फॉवल वॉज पुट ऑन द इजलैंड टू स्लीप एट नाइट, कहता है जो इजलैंड जो एक लकड़ी का बॉक्स दैट वंस कभी यूज किया जाता था, उस बॉक्स को कीप द फॉवल्स के लिए वट पुट ऑन द इजलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट, कहता है उसी पिंजरे को डाल दिया गया बाबा के लिए उस इजलैंड पर रात को सोने के लिए। स्ट्रफ यू प्लेसेस, फैला दी गई कुछ स्थानों पे इजलैंड टू कीप इट वार्म, सूखी घास फैला दी गई ताकि गर्म रहे, एंड ब्रूनोज टॉयज और ब्रूनो के खिलौने डाल दिए गए, हिज बेबी द नल्ड स्टम्प एंड हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, ये सारे उसके जो खिलौने थे वो डाल दिए बेटा। वर आल्सो प्लेस्ड देयर फॉर हिम टू प्ले विद, भाई इन सब वस्तुओं के साथ वो खेलता था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा क्या, कि भाई हाउ वुड द नरेटर्स वाइफ, किस प्रकार से नरेटर की पत्नी रीच द इजलैंड वेयर बाबा वॉज कैप्ट, जहाँ जिस इजलैंड पे बाबा को रखा गया था घर में, उस इजलैंड पे नरेटर की पत्नी कैसे पहुँचती थी। द नरेटर हैड ट्राइड टू टाइड ए रॉप टू द ओवरवेलमिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, कहता एक मैंगो ट्री से जो साइड में था उससे रोप बांधी, एक रस्सी बांधी विद द टॉप ऑफ द इट्स एंड उसके अंत तक, टू रीच द इजलैंड उस इजलैंड में पहुंचने के लिए। इज वाइफ पुट ऑन द फुट ऑफ द लूप एंड किक ऑफ विद अदर टू क्रॉस द 6 feet वाइड पिट राउंड द इजलैंड, कहता उस
इजलैंड के चारों तरफ जो 6 फीट गहरी खाई थी उसके ऊपर से जाने के लिए मतलब पैदल ही एक रस्सी को पकड़ने का मतलब एक रस्सी का सहारा लेती थी। सी वुड देन फिर स्पेंड आवर्स फिर घंटे बिताते सीटिंग एन ए चेयर एक कुर्सी पर बैठ के विद बाबा बाबा के साथ इन हर लैप अपनी गोद में। बाबा को अपनी गोद में बिठा के घंटों उसके साथ वहाँ इजलैंड पे स्पेंड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, हाउ डज द स्टोरी इलुस्ट्रेट दैट एनिमल्स लव ह्यूमन बींग जस्ट एज ह्यूमन लव दैम। कहता जैसे आदमी आदमी से प्रेम करता वैसे इस स्टोरी में इलुस्ट्रेट किया गया भी आदमी जानवर से प्रेम करता है। हाउ कैसे, क्लियर? तो ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है बेटा, ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आपने अपने, ये तो ऐसे टाइप नहीं है बेटा, शॉर्ट ही है। ब्रूनो इज ए स्टोरी, कहते ब्रूनो इज ए स्टोरी ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन ए वोमैन एंड बियर। कहते इमोशनल बॉन्डिंग है बेटा ये, एक औरत और एक बियर भालू के बीच में। द ऑथर्स वाइफ लव्ड हर पेट बियर ब्रूनो डीपली, इन टर्न ब्रूनो परफॉर्म मैनी प्लेफुल ट्रिक्स विच अम्यूज द लेडी। द इंजॉयड ईच अदर ए कंपनी वैन ब्रूनो वॉज सेंट टू जू, द पार्टिंग वॉज सो पेनफुल फॉर द ऑथर्स वाइफ एज इट वॉज फॉर ब्रूनो। Seeing their plight, Bruno was brought home again. The entire episode shows the mutual love between the two. कहता म्यूचुअल उन दोनों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम था, ये जो स्टोरी है इसी बात को दर्शाती है बेटा, म्यूचुअल लव को दर्शाती है। क्लियर? ये इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब एंड आफ्टर दैट यू विल राइट ऐसे टाइप क्वेश्चन बेटा, क्लियर? तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है